Okay, so we are live. Let me check once. Okay, so let's start. So आज हम शुरू करने वाले हैं. सबसे पहले फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स वी विल रिवाइज, एज आई सेड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन जर्मन. मोडाल वर्ब्स हम सीखेंगे, उसकी रिविजन लेंगे हम पहले 10 से 15 मिनट, एंड देन विद इन ओनली फाइव मिनट्स वी विल लर्न फ्यूचर टेंस. अगर आपकी बेसिक्स क्लियर हैं मोडाल वर्ब के, तो आपको फ्यूचर टेंस लिटरली 5 मिनट में यू विल बी एबल टू लर्न दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आई होप एवरीबडी रिमेम्बर्स हमने लास्ट टाइम जो सीखा था. वी विल रादर देन आस्किंग क्वेश्चंस, आई विल क्विकली रिवाइज इट, एंड देन अगेन मे बी वी कैन हैव से 10 questions. ओके, हेलो हेलो यस. सर, मेरा एक डाउट था प्रीवियस क्लास से. ओके अभी नहीं, प्लीज लेट्स लेट्स लेट मी रिवाइज. ओके ओके, सर, सो वी स्टार्टेड कि मोडाल वर्ब्स क्या है. मोडाल वर्ब्स, हैप्पी दसरा, प्लीज लेट्स नॉट गो स्पैमिंग साइड चैट, प्लीज मत कीजिए. ओके, मैं कहा था. ओके, सो मोडाल वर्ब्स क्या थे. सो मोडाल वर्ब्स वी हैव लर्न्ड इज जो इंग्लिश में आई कैन, आई शुड, आई मस्ट, आई वांट टू वगैरह सारे हैं, वो जर्मन में मोडाल वर्ब्स है. दीज आर मोडाल वर्ब्स इन जर्मन. ओके, और वी लर्न दिस कंसेप्ट विथ हेल्प ऑफ इंग्लिश. वी लर्न दिस कंसेप्ट विथ हेल्प ऑफ इंग्लिश क्योंकि इट इज ईजी. इन हिंदी यू हैव टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर दैट. मैं करना चाहता हूँ, मुझे ये करना मुमकिन है, या वॉट एवर, कि मुझे ये करने की इच्छा है. इन इंग्लिश इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. कैन, मस्ट, शुड, जस्ट आप लगाओ. वी कैन प्ले क्रिकेट, वी शुड प्ले क्रिकेट, वी मस्ट प्ले क्रिकेट, वी वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, वी वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट. और हमने फिर क्या सीखा कि इन जर्मन इट्स एग्जैक्टली सेम. इन जर्मन इट्स एग्जैक्टली सेम, जस्ट दैट कैन इज क्योनन, जिसका जो इंफिनिटिव फॉर्म है. मे इज द्यूर्फन, शुड इज जोलन, वुड वॉन्ट टू इज वोलन. मे पॉसिबिलिटी है इज द्यूर्फन, सॉरी नॉट पॉसिबिलिटी है, आई एम रॉन्ग, पॉसिबिलिटी नहीं, अनुमति है इज मे द्यूर्फन, एंड छोटी सी इच्छा हुआ तो अच्छा है वुड लाइक टू इज म्योस्टन. वी लर्न दिस राइट, म्योस्टन. कैन इज क्योनन, मे इज द्यूर्फन, शुड इज झोलन, वॉन्ट टू इज बोलन, मे इज द्यूर्फन, वुड लाइक टू इज म्योस्टन. एंड देन हमने क्या सीखा कि जैसे इंग्लिश में होता है वैसे ही वी कैन प्ले क्रिकेट, जर्मन में क्या होगा, वी कैन इज क्योनन. अच्छा क्रिकेट सिर्फ स्पीलन विद ओनली डिफरेंस. वी कैन प्ले क्रिकेट, वी आर क्योनन क्रिकेट स्पीलन, वी मस्ट प्ले क्रिकेट, वी आर मिसन क्रिकेट स्पीलन, एंड सो ऑन. ओके, दिस वॉज फर्स्ट स्टेप. फिर हमने क्या बोला, इन इंग्लिश ऑल्सो यू कॉन्जुगेट आई कैन, यू कैन, वी कैन, दे कैन. इट्स जस्ट दैट इट्स कैन ऑलवेज इन जर्मन. इन जर्मन, बट हिंदी में ऐसे नहीं होता. आप ऐसे नहीं बोलता मैं सकना, मैं सकता हूं, तुम सकते हो, वह सकती है, हम सकते हैं, राइट. सो जर्मन में भी हम वही करेंगे कि द क्योनन विल कॉन्जुगेट, बट रादर देन लर्निंग कंप्लीट टेबल, रादर देन लर्निंग कंप्लीट टेबल, हमने क्या सीखा, हमने दो जोड़ियां सीखी, कान क्योनन, डार्फ ड्यूर्फन, मुस म्यूसन, जोल जोलन, विल वोलन, और म्योस्ट म्योस्टन. व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस इज, फॉर मी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन जर्मन. दैट्स व्हाई आई वी आर स्पेंडिंग 10 मिनट्स इन दिस. अगेन, अगर आपकी ये कंसेप्ट क्लियर है तो 5 मिनट में फ्यूचर टेंस भी सीख जाओगे. यू विल लर्न फ्यूचर टेंस इन जस्ट 5 मिनट्स. ओके, एंड देन हाउ टू एक्सपांड इट, इश फॉर्म एंड एर फॉर्म बोथ आर फर्स्ट वर्ड. कान इश कान, दू एर कान. दू के लिए सिर्फ एस टी लगाएंगे, यू विल एड एस टी फॉर दू, एंड देन अगेन
वियर क्योनन जी क्योनन, वी एंड दे के लिए सेम, सिमिलरली दार्फ के लिए इश भी दार्फ, एर भी दार्फ, दू के लिए दार्फ्स्ट, सेम द्युर्फन द्युर्फन। ओके हाँ, पूरी टेबल हम नहीं लिखेंगे, इट्स नॉट, इट्स जस्ट जोल जोल जोलन जोलन, मुस मुस्ट मुस, मिसन मिसन, विल विल्स्ट विल, बोलन बोलन, म्योष्ट म्योष्टेष्ट म्योष्ट, म्योष्टन म्योष्टन। एवरीबॉडी रिमेम्बर्स दिस? ओके यस सर लेट्स गिव यू फाइव सेंटेंसेस एंड देन लेट्स सी, विदाउट चेकिंग इन नोटबुक एंड ऑल, बिकॉज आई हैड गिवन यू इनफ टाइम, सॉल्व करने की कोशिश करो। You are done. Just write done in chat window. स्पैमिंग शुरू हो गई। नाउ आई नीड टू स्पैम। ऑन यूट्यूब। ओके आकाश, दिस इज अ पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन, आई कैनॉट आंसर दिस हियर। ओके सो या देर आर नो अदर डाउट्स इन यूट्यूब। ओके सो बेसिकली या सो टुडे वी हैव 86 पीपल ऑन जूम, सो देर आर स्टिल 14 प्लेसेस अवेलेबल। एज आई सेड, जैसे जैसे टाइम जाता है यू विल ऑलवेज गेट प्लेसेस इन जूम, सो दिस इज द ट्रेंड आई ऑलवेज नो कि, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई डिड नॉट वांट टू वेरी क्विकली गिव स्पीकिंग पार्टनर्स, बिकॉज हमने शुरू की थी तो हम 2000 थे, एट अ स्टेज हम 2500 बन गए, वी बिकेम 2500। आई वॉन्ट इट टू स्टेबल, मुझे वो जो एक्चुअल नंबर है वो चाहिए। आई एम ओके इफ इट इज 300 400 ऑल्सो, बट आई वॉन्ट दोज ओनली एंड देन वी विल गिव यू स्पीकिंग पार्टनर्स, व्हेन जो सिंसियर लोग रह जाएंगे। ओके ओके सो आई होप एवरीबडी हैज सॉल्व्ड इट। प्लीज होने के बाद चैट विंडो में डन लिखना, दोज हु आर ऑन यूट्यूब राइट ऑन यूट्यूब डन। विवेक, विल हमने सीखा नहीं है, विल मोडल वर्ब है, इज इट प्रेजेंट टेंस? ओके नूतन, इज नूतन देयर? यस सर, आई एम हियर, ओके हैव यू गिवन आई आंसर्स? ट्राइड सर। नो सर, अर्लियर नो। या देन आफ्टर 10 सेकेंड्स, आफ्टर 10 सेकेंड्स गिव आंसर्स अगेन आवर नॉर्मल फॉर्मेट, इंग्लिश जर्मन, a little bit of gap and then again answer. Okay ओके okay सर, yeah just wait for आई another, कैन। wait wait ओके wait, just हर किसी को complete करने दो and then we will start. Okay start. आई कैन लर्न जर्मन, इश कैन डॉयश लर्नन, यू शुड ड्रिंक टी, दू जोल्स्ट टे ट्रिंकन, ही मस्ट प्ले क्रिकेट, एर मुस क्रिकेट स्पीलन, वी वॉन्ट टू कुक पास्ता, वी आर म्योस्टन पास्ता कोकन,
हाँ हाँ वॉन्ट टू क्या होता है? वांट कैन क्यों आंसर वोलन बोलन वॉन्ट टू इज बोलन या वोलन पास्ता कोकेन। वी आर बोलन पास्ता कोकन थैंक यू दे वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश सर मैंने इसके लिए वोलन लिखा है जी वियोलन इंग्लिश लर्नर लिखा वुड लाइक टू इज म्यूस्टन, अभी 5 मिनट पहले हमने देखा, राइट? जी म्यूस्टन इंग्लिश लर्नर, जी म्यूस्टन इंग्लिश। इंग्लिश लर्नर एंड लास्ट ओके, वन यू मे ईट पिज्जा जी ड्यूरफन पिज्जा एसन दूदार्स्ट, यू इज दू, दूदार्स्ट पिज्जा एस। ओके, वेरी ओके नाइस, सर थैंक यू दू सर पिज्जा एसन। वेरी क्विकली, कितने करेक्ट है? हर कोई लिखो इन चैट विंडो, दोज हु आर ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पे लिखो। ओके, सो आई सी ऑलमोस्ट एवरीबडी, 5 6, 5 6। जिन लोगों के 5 आए हैं, दोज हु गॉट 5, अंडरस्टूड व्हाट वेंट रॉन्ग? यस यस। ओके, नाउ एनीबडी एनी डाउट्स इन दिस? जो हमने सीखा है उसमें, अगेन आई विल बी वेरी स्पेसिफिक, जो हमने सीखा है उसमें किसी को कोई डाउट? सर गुड लाइक टू में जो मोशन होता है उसमें आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप में जो स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंट है तो क्या दोनों यस, क्योंकि उस टाइम मैं मोबाइल पे था और वहां पे ओ उमलाउट नहीं आता। अभी कैसे है कि इफ यू डोंट हैव, सो अगेन दिस इज अ वर्क अराउंड, दिस इज अ वर्क अराउंड। इफ यू डोंट हैव अ कीबोर्ड जिसपे ओ नहीं है, तो यू कैन यूज ओई। अगर आपके पास यू नहीं है, तो यू कैन यूज यूई। अगर आपके पास ए नहीं है, तो यू कैन यूज ए। एंड अगर आपके पास एस सेट नहीं है, तो यू कैन यूज डबल एस। ओके, इट्स जस्ट टू, बट द बिकॉज आई वर्क फॉर अ जर्मन कंपनी, आई हैव अ जर्मन कीबोर्ड, आई हैव दीज, बट यू सम ऑफ यू माइट नॉट बी हैविंग। पर जब हम लिखेंगे तो यो ही लिखेंगे। अंडरस्टूड? यस सर ओके, एनीबडी एल्स? सर विल यू बी एबल टू रिपीट द एग्जाम्पल फॉर लीव इन विद एनी वन लाइक न्यूस्टन कर्नन एनीथिंग? I want to live in Munich. Ich möchte in Munich leben. Simple. ओके, आई वॉज कंफ्यूज विद द इन पोजिशनिंग, सो थैंक यू वंस अगेन। एनीवन एल्स? अगर आप यूट्यूब पे हैं तो आप यूट्यूब पे भी डाउट पूछ सकते हो। शिव कुमार बिरनाड़े, वोलन एंड म्योस्टन आर वेरी क्लोज टू बी कंफ्यूज, दे कैन बी इंटरचेंजेबली यूज। इनफैक्ट अगर आप शांति से सोचो तो वोलन और वॉन्ट टू और वुड लाइक टू में क्या डिफरेंस है इन इंग्लिश? आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट बी एबल टू, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, वॉट इज द डिफरेंस? अ स्लाइट डिफरेंस इज वॉन्ट टू इज अ स्ट्रॉन्ग विश, आई वॉन्ट टू डू इट, मुझे करना ही है। आई वुड लाइक टू डू इट, हुआ तो अच्छा, दैट्स बेसिकली अ थिंग। सो यस यू कैन, जैसे इंग्लिश में आप वॉन्ट टू और वुड लाइक टू को टेक्निकली इंटरचेंज कर सकते हो, वैसे वोलन मोस्टन को भी कर सकते हो। ओके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंटेक्स्ट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप क्या बोलना चाहते हो। कि भाई नॉर्मली मुझे एक एक एग्जांपल देता हूं कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, ये वांट है, आई वांट टू बिकम साइंटिस्ट। मुझे चाय पीनी है इज अ विश, आई वुड लाइक टू ड्रिंक टी। पर कोई ऐसा भी हो कि भाई उसको डायबिटीज बहुत है, वो बोलेगा कि भाई 1 साल इतना एक्सरसाइज करूंगा कि मैं एक दिन चाय पीऊंगा। सो फॉर हिम इट कैन बी अ वॉन्ट, राइट? सो इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन कंटेक्स्ट। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? यस सर, यस 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 वोलन और म्यूस्टन सर। कंफ्यूज हो तो समझ लो इंग्लिश में आप वॉन्ट टू कब यूज करते हैं, जर्मन और वुड लाइक टू कब यूज करते हैं। अगर इंग्लिश आपका ऐसा है कि भाई वॉन्ट टू और वुड लाइक टू में फर्क नहीं समझ में आता, तो जर्मन में भी वोलन म्यूस्टन में चलेगा। इज इट क्लियर? नो, एनी वे Nobody from A1 to C2, A1 से लेके C2 तक कोई भी आपको ऐसे नहीं बोलेगा किसी भी एग्जाम में इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करो। सो डोंट वरी अबाउट इट, द एग्जाम्स डोंट वर्क लाइक दैट। नोबडी इज, इट्स नॉट लाइक कि जैसे हम, व्हेन आई वाज इन 10th, संस्कृत का पेपर होता था,
कि भाई 50 मार्क के लिए मराठी से संस्कृत करो, 50 मार्क के लिए संस्कृत से मराठी करो. अरे संस्कृत कब सीखोगे, राइट? सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नो बडी इज गोइंग टू गिव यू अ सेंटेंस इन इंग्लिश एंड कन्वर्ट इट इनटू जर्मन. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स व्हाट यू वांट टू से. तो आपको अगर लगता है कि आई वुड लाइक टू डू समथिंग, इश म्योस्टो. आपको लगता है कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग, इश विल. इट्स दैट सिंपल. इज इट क्लियर नाउ? यस यस सर, यस सर. बालाजी मुर्गन, आई होप आप पहली बार क्लास कर रहे हो. लीबन और वोनन सेम नहीं होता. लीबन इज टू लव, लेबन और वोनन होता है. जब भी किसी के मन में ऐसा होगा कि और आयुष्य कैसे, तो दौड़ना और भागना याद रखना. आई थिंक उतना ही हिंदी तो सबको आता है, दौड़ना और भागना. जब भी ऐसे लगे ना, सिर्फ पूछना दौड़ना सही है या भागना सही है. अंडरस्टूड? ओके, सो मोडल वर्ब्स कंप्लीटली क्लियर? यस सर, डोंट डू दिस. ब्राउकन इज टू नीड, उसका क्या रीजन है? कुछ भी पूछोगे ऐसे तो आप, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, राइट? प्लीज फोकस करो जो सीख रहे हैं. वी आर लर्निंग समथिंग इंपॉर्टेंट. अगर सिंसियरली नहीं करना है तो बाकियों को करने दो. मतलब मैं तो कुछ भी पूछ सकता हूँ ना, कि इंग्लिश में ईट और ड्रिंक में क्या मतलब डिफरेंस है, राइट? व्हाट इज द पॉइंट इन इट? ओके, आगे जाना है. जी. यस ओके, सो नाउ अगर आपकी मोडल वर्ब कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपकी मोडल वर्ब कंसेप्ट क्लियर है, तो विद इन 5 मिनट्स, लिटरली घड़ी लगा के 5 मिनट में हम फ्यूचर टेंस जर्मन का सीख लेंगे. बड़ी बात है, राइट? और उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट में आपको 2 टेंसेस फ्री भी मिलेंगे. आज का दिन बहुत ये है, इसीलिए थर्सडे हमने थोड़ा सा पुश किया. थर्सडे वी पुश्ड अ लिटिल बिट दैट यू स्टडी मोडल वर्ब्स इन लास्ट 4 डेज, बिकॉज इफ यू डू दैट टुडे आपको इतना सब मिलेगा ना कि यू शुड बी हैप्पी. अगर इससे हैप्पी नहीं हो रहे हो ना, तो ऑनेस्टली आपने सीखना नहीं चाहिए. फिर यू आर लर्निंग इट फॉर रॉन्ग रीजंस, और वो नहीं वर्क होता. ठीक है, तो सिंपल. अभी इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में आप आई कैन प्ले क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, राइट? और आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा. तो आपने क्या चेंज किया? सिर्फ कैन की जगह विल लगाया, राइट? बाकी जो फॉर्मेट है सेंटेंस का वो सेम है. आई कैन प्ले क्रिकेट, आई मस्ट प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट. आप प्ले को उसके इन्फिनिटिव पोजिशन पे रख रहे हो, बाकी सब सेम कर रहे हो. अगेन हम वी विल लर्न दिस अगेन विथ इंग्लिश, बिकॉज हिंदी में आप मैं खेलूंगा, तुम खेलोगे, हम खेलेंगे टाइप करोगे, राइट? इन इंग्लिश आई कैन प्ले क्रिकेट, आई मस्ट प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट. अंडरस्टूड? तो इंग्लिश में फ्यूचर टेंस बनाने के लिए वी यूज विल. एवरीबडी अंडरस्टैंड्स? यस सर, जर्मन में भी, जर्मन में भी हम विल की जगह यूज करेंगे एक वर्ड, वेरडन. वेरडन पर जर्मन में ये चलता है. इन जर्मन इट कॉन्जुगेट्स इश वेरड, डू विर्स्ट, एर वेरड, वियर वेरडन, जी वेरडन. अगर ये 5 वर्ड आपको आ गए, टेक्निकली 4 ही हैं, अगर ये 5 वर्ड आपको आ गए, आपको फ्यूचर टेंस आ गया. बोलो मेरे साथ, इश वेरड, डू ईश्वर विर्स्ट, दो एर वेरड, वेर वेरडन, वेरडन जी वेरडन. जी वेरडन. बस इतना ही फ्यूचर टेंस है. इंग्लिश में आप क्या करते हो? आई विल प्ले क्रिकेट. जर्मन में आप करोगे इश वेरड क्रिकेट स्पीलन. इसके तरह ही मोडल वर्ब की तरह ही, इसीलिए मोडल वर्ब्स इंपॉर्टेंट है. मोडल वर्ब में आपने क्या किया होता? इश कान क्रिकेट स्पीलन. स्पीलन आपका कान के बाद एंड में गया था, राइट? आप भी ऐसे, यू विल प्ले, डू विल्स क्रिकेट स्पीलन, ही विल प्ले क्रिकेट, एर वर्ड क्रिकेट स्पीलन, क्रिकेट खेलेंगे, वी अ वर्डन क्रिकेट स्पीलन, वो क्रिकेट खेलेंगे, जी वर्डन क्रिकेट स्पीलन. अगर आपका मोडल वर्ब कंसेप्ट क्लियर है, यू लिटरली नीड टू नो वर्ड विर्स्ट वर्ड वर्डन वर्डन, योर फ्यूचर टेंस इज डन. अंडरस्टूड? ईश्वरड, दू विर्स्ट, एर विर्ड, वी अ वेरडन, जी वेरडन.
बाकी एग्जैक्टली सेम। अगेन ये एक लिख लो सो दैट आपको बाद में ये ना हो, आई कैन प्ले क्रिकेट, जस्ट आपको एनोलॉजी के लिए, इश्कान क्रिकेट स्पीलन। इंग्लिश में आपने क्या किया, कैन को सिर्फ रिप्लेस किया विल से, जर्मन में भी इश वेर्ड क्रिकेट स्पीलन, इट्स एग्जैक्टली सेम एज मोडाल वर्ब, राइट, इन इंग्लिश ऑल्सो इन जर्मन ऑल्सो। कंसेप्ट समझ में आई? यस अंडरस्टूड द कंसेप्ट? सर, यस लिख लिया? सर, यस जस्ट अ सर। मिनट सर। या ओके, टिल देन आई विल क्विकली चेक यूट्यूब। ओके या ओके, सो देन लेट्स मेक 5 सेंटेंसेस। पायलिया कौन बजा रहा है, बंद कर यार। यू आर डन, जस्ट राइट डन। सर एक्चुअली आई मिस्ड द स्टार्टिंग पार्ट। कैन यू गिव वन मोर एग्जाम्पल ऑफ विल बर्डन? आई विल, देखो कोई भी अगर है, वेर्डन विल बी सेम एज क्योनन, वेर्डन विल बी सेम एज क्योनन। हाउ डिड इट, सर कैन इट, सेंटेंसेस चल। समबडी डिड दिस, क्यों कर रहे हो यार? मतलब आई वंडर हम लोग यस ऐसे यस क्यों। नाउ कैन यू सी इट? यस या यस हाँ, मतलब बच्चे हो क्या? ओके सो विल सर, बी लाइक, विल बी एग्जैक्टली लाइक मोडल वर्ब्स। इट्स जस्ट दैट विल के लिए आपने कान क्यों नन करते थे, यहाँ पे इश वेर्ड दू विर्स्ट एर वेर्ड विया वेर्डन जी वेर्डन करो। ओके बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम, द एक्चुअल वर्ब विल गो एट द एंड एट इट विल रिमेन इन इंफिनिटी। ओके व्हेन यू आर डन जस्ट ओके। राइट डन। सर कैन आई गिव वन एग्जाम्पल इफ आई एम करेक्ट? नो डोंट, मत करो, ये ओके सॉल्व ओके ओके, क्योंकि ओके सर, आपको अलाउ करूंगा तो बाकियों को भी करना पड़ेगा, राइट, इट्स वेरी सिंपल। वन ओके क्वेश्चन सर। लेट्स लेट्स सॉल्व दिस, पहले 5 सॉल्व तो अच्छा करो। ठीक है। बालाजी, अरे मैंने बोला ना लेबन और वोनन सेम है, दौड़ना भागना। एक्सक्यूज आप कॉल ये सॉल्व हो जाने दो ना, फिर करते हैं ना। मी सर। ओके लेट्स सी, अभिषेक आर यू देयर? यस ओके इंग्लिश जर्मन स्मॉल ब्रेक। ओके ओके। आई विल ड्रिंक टी, इच वर्ड टी ट्रिंकन, यू विल ईट पास्ता, डू विस पास्ता एसन, ओके ही विल लर्न जर्मन, एर विड ड्यूच लर्नन, वेरी गुड। वी विल कुक पास्ता, वेयर वर्दन पास्ता कोखन, दे विल प्ले प्ले क्रिकेट, जी वर्डन क्रिकेट स्पेल।
स्पीलन, वेरी गुड, वेरी यस क्विकली कितने करेक्ट है, लिखो। एवरीबडी 5 out of 5, एक कोई तो 4 था। कितना सिंपल है, राइट? लिटरली 5 मिनट में आपका फ्यूचर टेंस हो गया, राइट? यस सर, यस। लिटरली हमको, वी लिटरली टुक 5 मिनट्स। क्या सीखा हमने आज? अगर आपकी मोडाल वर्ब कंसेप्ट, इफ योर मोडाल वर्ब कंसेप्ट वॉज क्लियर, वी लर्न ओनली इश वेर्डा दू विर्स्ट एर वर्ड वी अ वर्ड एंड जी वर्ड, दैट्स इट। अंडरस्टूड? यस यस सर। सर ओके या नाउ समबडी हैड डाउट? फर्स्ट क्वेश्चन सर, इफ देयर एनी आई नो इट दीज आर ओनली 5 टू रिमेम्बर, बट एनी ट्रिक और समथिंग वेयर वी इट कैन बी रिमेम्बर लाइक क्योनन कान, दिस वाज इजी, मत करो ना यार, कौन है ये, मत करो सब यार। बहुत एक इजी पूरा था ये, क्योंकि टेंस, एक एक पूरा टेंस, 5 वर्ड्स। मेरा एयर वाला रॉन्ग हो गया सर इस चक्कर में, क्योंकि मैंने वो वाला लॉजिक कौन है लगाया ये, था कौन है ये, हु इज दिस? सर। सर मैं और ज्योति हम लोग साथ ही बैठे हैं। मैं आपका नाम बोलो सर, मेरा अतुल, अतुल अतुल, डोंट डू दिस। अगर आपको 5 वर्ड से अगर एक टेंस नहीं सीखना, अच्छा नहीं लग रहा ना, तो फिर इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। समझ रहे हो ना? इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, समझ रहे हो ना? सर, अदर्स अदर्स अगर ये हमको करना है कि नहीं, मतलब आई वाज कंप्लीटली, मतलब ये जो मूड चला जाता है, आप समझ रहे हो, राइट? यस सर, यस सॉरी सर, प्लीज म्यूट बस हो जाओ कोई, अतुल, थोड़ी देर हाँ अतुल, थोड़ी प्लीज म्यूट हो जाओ। ओके गाइस हमको सीखना है कि नहीं, यस सर, मतलब यस सर, मैं, ये 73वीं बैच है, पहली बार ऐसे हुआ कि हमने 5 मिनट में, हमने 5 मिनट में फ्यूचर टेंस सीखा और लोग नाराज हैं। मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? थिंग्स आर गोइंग टू गेट अ लिटिल बिट हार्डर, ट्रस्ट मी। ऐसे नहीं होने वाला है कि जादू की छड़ी नहीं होगी मेरे पास, राइट? एंड प्लीज। ट्रस्ट मी, यू हैव टू, आई एम, ये सब करने के लिए बहुत एफर्ट लेना पड़ता है, तब मैं यहाँ पे आया हूँ, समझ रहे हो? ये ऐसे करने के लिए पहले ये करो, देन यू आर गोइंग टू लर्न इन 5 मिनट्स फ्यूचर टेंस। और फिर भी आप अगर खुश नहीं हो तो इट काइंड ऑफ किल्स द जॉय, राइट? नहीं सर, लेकिन हम तो खुश है ना, वी आर एंड एक्सट्रीमली एंड ट्रस्ट हैप्पी। मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, आप सीखोगे। एंड एंड लिखना है तो लिख लो, आप तभी सीखोगे अगर आप एंजॉय करोगे। देर वेर पीपल हु वेर बेटर देन मी, देर हु वेर हु हैड मोर टाइम देन मी, हु वेर यंगर देन मी, दे कुड नॉट गो पास्ट B1, आई कुड गो टू C2 ओनली बिकॉज आई एंजॉयड इट। सी आज दशहरा है, मेरे मतलब मेरी फैमिली वहां खाना खा रही है, मैं यहाँ सिखा रहा हूँ बिकॉज आई एंजॉय दिस, समझ रहे हो? यस सर, इफ वेरी ट्रू, यस सर। इफ इफ नॉट एंजॉयिंग, लेट्स लेट अदर्स एंजॉय, राइट? ओके, लेट इट बी, आई लेट दैट स्लाइड। सबको समझ में आया 5 मिनट में हमने जर्मन के, हमने फ्यूचर टेंस कैसे सीखा यस है? यस 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 सर, लिटरली दैट्स द इजिएस्ट पार्ट। अभी एक कोलोक्वियल थिंग मैं आपको बताता हूँ, बताओ कि नहीं मुझे पता नहीं। कभी कभी इंग्लिश में आप बता बोलते हो ट्रेन अराइव्स इन 5 मिनट्स, या फिर ट्रेन विल बी, या फिर आई एम, सो बट जाने दो, मैं कल आता हूँ, मैं कल आता हूँ, आप हिंदी में बोलते हो, राइट? तो कभी कभी, कभी कभी सारी लैंग्वेजेस में, सारी लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में भी द ट्रेन अराइव्स इन 10 मिनट्स, बोली भाषा में जब आप बोलते हो तो प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर टेंस बना सकते हो, प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर टेंस बनाते हो, मैं कल आता हूँ, इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, राइट? मैं कल आऊंगा, राइट? यस सर, यस द ट्रेन विल अराइव इन 5 मिनट्स, बट हम बोलते हैं द ट्रेन अराइव्स इन 5 मिनट्स। दिस इज जनरली डन, दिस इज जनरली डन इन कोलोक्वियल लैंग्वेज, बोली भाषा में हम ये करते हैं जब कोई चीज आप सर्टनली बोलने वाले हो नेक्स्ट टाइम के लिए। तो इन जर्मन, इन जर्मन, जर्मन खुद ऐसे बोल सकते हैं कि इश कॉमा मॉर्गन, तो उनको ठीक करने मत जाना, इश वेर्डा मॉर्गन कॉमेन, समझ रहे हो ना? इश वेर्डा मॉर्गन कॉमेन करेक्ट है, पर वो उनकी ओके भाषा, इश कॉमा मॉर्गन अगर वो बोली भाषा में बोलता है तो वो करेक्ट बोलता है, समझ रहे हो ना? मैं कल आता हूँ, इट्स लाइक मैं कल आता हूँ, कि वहां मराठी मी उद्या येतो, इन इन
इनफैक्ट हिंदी मेरा मुझे इतना पता नहीं, बट इन मराठी वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट टेंस फॉर फ्यूचर टेंस. अरे उदय है तुम्हें, हाँ उदय कर दो. इफ यू आर गोइंग टू डू, प्रेजेंट स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू डू समथिंग, सर्टनली यू यूज इट इन प्रेजेंट टेंस. टेंस। बट अगेन वी आर, अभी भी हम बच्चे हैं, वी आर इन फर्स्ट स्टैंडर्ड मैक्सिमम. तो हम क्या करेंगे, हम जब यूज करेंगे फ्यूचर टेंस वेरडन से ही करेंगे, हम इश वेरड मॉर्गन कमेन ही बोलेंगे, हम मैं कल आऊंगा. पर अगर जर्मन बोलता है इश कॉमा मॉर्गन, अरे तुम गलत हो, ऐसे नहीं, ऐसे बोलने नहीं जाना. अंडरस्टूड? अगेन यस दिस इज सर, जस्ट साइड थिंग. ओके नाउ अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट, नाउ अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट. जैसे मैंने बोला कि देर आर सम थिंग्स दैट आर इजी इन सम लैंग्वेज, देर आर सम थिंग्स दैट आर हार्ड इन सम लैंग्वेजेस. ओके सो जर्मन के अपने हार्ड थिंग्स हैं, जब हम केसेस देखेंगे तब देखेंगे. वन एडवांटेज ऑफ जर्मन इज जर्मन डजंट हैव कंटिन्यूअस टेंसेस. जर्मन में कंटिन्यूअस टेंस का ये ही नहीं, मतलब क्या कि हम हिंदी में बोलते हैं ना, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, सो मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, बोथ आर प्रेजेंट राइट. यस सर, बट वन इज सिंपल, वन इज कंटिन्यूअस. इन इंग्लिश इट इज वेरी क्लियर, आई प्ले क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट राइट. इंग्लिश में आप उसको कैसे बनाते हैं, टू बी प्लस आई एन जी से बनाते हैं. आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यू आर ईटिंग पिज्जा, ही इज ड्रिंकिंग टी, वॉट एवर, वी आर लर्निंग जर्मन. एवरीबडी नोज दिस. यस यस सो इन इन इंग्लिश द कंटिन्यूअस टेंस इज टू बी का रूप प्लस आई एन जी इन इन प्रेजेंट टेंस. एवरीबडी यस अंडरस्टूड? यस यस जर्मन में, जर्मन में कंटिन्यूअस टेंस की कंसेप्ट ही नहीं. जर्मन में आई एम प्लेइंग क्रिकेट कुछ होता ही नहीं. यू विल से आई प्ले क्रिकेट ओनली. आई एम प्लेइंग क्रिकेट की जगह आप आई प्ले क्रिकेट ही बोलोगे, इश पीलर क्रिकेट ही बोलोगे. अंडरस्टूड? यस आपने रिपीट इन इंग्लिश, देर इज डिफरेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस राइट. आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट एंड आई एम प्लेइंग क्रिकेट बोथ आर डिफरेंट इन इंग्लिश राइट. यस इन जर्मन बोथ आर आई इश पीलर क्रिकेट. तो द बिगेस्ट मिस्टेक मैंने B1 वाले लोगों को भी करते हुए देखा है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इश बीन क्रिकेट स्पीलन एंड ऑल एंड ऑल. इट्स नॉट लाइक दैट. जर्मन डजंट हैव कंटिन्यूअस टेंस. ओके कंसेप्ट समझ में? इट्स इट जस्ट नीड टू नो इट कंसेप्चुअली. अगर कंसेप्चुअली समझ में आया तो और 5 मिनट में आपने और एक टेंस सीखा. सो बेसिक इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल, बहुत क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ. आई होप एटलीस्ट फ्यू ऑफ यू आर इन जर्मनी. ओके सो इवन इफ दोज हु आर नॉट इन जर्मनी, मैकडोनल्ड का टैगलाइन क्या है? I am loving it. I am loving it, right? I am loving it. I am loving it. Those who are in Germany, have you ever been to McDonald's? कभी टैगलाइन देखा है? Sir, maybe ish liebe es. Correct. The tagline is ish liebe es. जर्मन में, I am loving concept ही नहीं. वो क्या होगा? I love it. और इसीलिए ish liebe es. Understood? Always, always remember with examples, तो भूलोगे नहीं. जब भी ऐसे लगेगा ना ing करने का है, McDonald's याद लाना. I am loving it becomes ish liebe es because ish is मैं, s is it, love, I love it. Ish liebe es. Lieben is to love. Ish liebe es. समझ में आया? I am loving it concept ही नहीं, it becomes I love it. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very nice. एकदम सिंपल है ना कि I am playing, he is playing cricket, he plays cricket होगा, er spielt cricket. It's very simple. Now, some of you might be wondering, फिर उनका चलता कैसे है कि how does it work? तो आपने या फिर us, we have used it, so we need it. If in your language from day one it was not there, you wouldn't have been needing it. समझ रहे हो ना? Yes. आपको वो अलग लग रहा है क्योंकि आपने वो देखा है. For those who don't,
have it from start. They don't need it even for understanding or telling. Okay? अगर बोलना ही है तो कभी कभी वो गेराडा यूज करते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं नाउ नाउ के लिए, अभी के लिए. बट इस नॉर्मल जर्मन को कंटेक्स्ट से समझ में आता है, स्पीले क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट है या आई प्ले क्रिकेट. अंडरस्टूड? यस सर. सबको समझ में आया? Yes, तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस कैसे फ्री मिलेगा, समझ में आया? यस सर. यस सर. यस सर. तो वैसे ही कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस भी फ्री मिलेगा. आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट होता है ना, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट. अभी मेरा हिंदी अच्छा नहीं, इतना अच्छा नहीं है कि मैं उसका हिंदी बनाऊं. मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा. आई डोंट नो. सो लेट 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 स्टिक टू इंग्लिश. आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट मतलब इन फ्यूचर कंटिन्यूअस. अंडरस्टूड? यस सर. यस आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट. आई एवरीबडी नोज कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस. यस यस सर. ओके. सो आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट. लेट मी गिव इट टू यू हियर. ओके. आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट. देयर इज नो कंटिन्यूअस फ्यूचर विल बिकम आई विल प्ले क्रिकेट. And that's why it will become Ishwarda Cricket Spiel. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Thing to remember, there is no will be playing in German. There is no be playing, right? It's just I will play cricket, Ishwarda Cricket Spielen. So again, literally within a couple of minutes, you have another tense free. Concept samajh mein aayi? यस सर. लेट्स मेक फाइव सेंटेंसेस तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. ओके. यस सर. Deutsch has no continuous tense. So question hai ki, sir, does that mean that Deutsch has no continuous tense? Deutsch has continuous tense. It's just that they don't do it differently, right? Kisi bhi bhasha mein, see, having a tense or not is not in any language, right? Hai to hai. Future, aap bol nahi sakte ki future hai hi nahi. It's just that they don't have different construct for it. Yeah, that's it. त्यांना गरज नाही. हो, त्यांना गरज नाही. प्रकृति विल इंग्लिश का जर्मन में वेर्डन है. द विल इन इंग्लिश इज वेर्डन इन जर्मन. तो हम जर्मन सीख रहे हैं तो हम जर्मन बोलेंगे. So continuously we had about 10 to 20 places available in Zoom. So please don't message me ki mujhe Zoom join karna hai, Zoom join karna hai. Maine bola tha, I those who remember, maine first class mein bola tha, right? Abhi 70 classes ke baad I know ki logo ka jo ye hota hai wo 4-5 sessions rehta hai, jo utsaah hota hai wo. Generally 5th session ke baad you will always get slots in Zoom. Yeah. I want to see questions. Screen chahiye. अभी तक नहीं हुआ. ठीक है.
Krutika, have you answered? Yes, sir, but I would like to answer again. No, thank then you. It's not allowed. Yeah. Okay. Tasneen. Yes, sir. Yes, sir. Hello, sir. There are two Tasneens? Yeah, maybe. Okay. So, jis Tasneen ne answer nahi diya hai, wo do. Okay. Maine bhi nahi diya hai, sir. Okay. So, you give bhi. Now. Aap next time mujhe yaad dilana. I will. Okay. That's a coincidence. I heard this name first time and then having two names. It's interesting. Okay. Good. Okay. So, let's yes, wait sir. For another 5 seconds and then we will take answers. Okay. Yes, sir. Let's see. Dun, 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 dun. Okay. Yeah. Start, please. Yeah. You are playing cricket. Du willst cricket spielen? No, 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 no. You are playing cricket. What is this? Mm-hmm. It's wrong. Yes, it's wrong. You are playing cricket. Is it present tense or is it future tense? Present. Present. फिर तो आएगा नहीं अभी आप अभी दो मिनट पहले हमने बोला था कि ing concept ही नहीं है तो maybe let's the other Tasneen answer and you okay. you understand what went wrong okay, okay sir other Tasneen yeah hello sir yeah okay You are playing cricket. Du spielst cricket. Very cricket. good. So oh, you are playing cricket. Concept ही नहीं है इसीलिए क्या होगा? You yes. are cricket. Du spielst cricket. Okay. Next. He is cooking pasta. So er cooks pasta. Er cooked pasta. Very good. Yeah. Next. They are learning German. Sie lernen Deutsch. Correct, Deutsch. Bol rahe ho. Confidence se bolo. That is important. Sie lernen okay. Deutsch. Okay. I will be eating pizza. Ich werde pizza essen. Very good. I am really happy. I will be eating pizza. Will become I will eat pizza. Ich werde pizza essen. Very good. Next. We will be drinking Coke. We are werden. Coke drinking. Very good. We are well done. Coke drinking. Pehli Tasneen. Samajh mein aaya what went on? Yes, sir. Three wrong mile. Do right. Theek. Quickly, yeah. Kitne correct hai? Everybody just write down. Okay, I see a lot of five. I see two and three also. Concept samajh mein nahi aayi hai. Phir se bolne ki zarurat hai? Nahi, actually. R playing ka confusion ho gaya. नहीं वो कैसे है कि हमारा अनफॉर्चुनेटली क्या है मैं बताता हूँ कि हमने इंग्लिश इतना रट्टा मार के सीखा है ना कि आर दिखा तो बीस्ट करना मतलब सोचना नहीं है कि यू आर प्लेइंग क्रिकेट में वो आर नहीं है समझ रहे हो ना इट्स जस्ट इट इज अ टू बी प्लस आई एन जी फॉर्म यू आर प्लेइंग क्रिकेट इज जस्ट इंग्लिश में हम बोल रहे हैं कि कंटिन्यूसली क्रिकेट खेल रहे हो जर्मन में जरूरत नहीं है तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट विल बिकम यू प्ले क्रिकेट इसीलिए du spielst क्रिकेट अंडरस्टूड तो सेकंड वाला बताओ yes, ना sir. आप ही बोलो किन्नरी क्या था किन्नरी राइट हम यस सर ही मेरा रॉन्ग हुआ है मुझे नहीं आया ये ही इज तो कुकिंग बोलो पास्ता और फिर ये करते हैं ही इज कुकिंग पास्ता ओके एयर कोकन पास्ता लिखा था मैंने तो कोकन नहीं एर आएगा ना कोकन कोकन कैसे होगा एर है तो सामने वाला वर्ब चलेगा राइट और सामने वाला वर्ब चलेगा तो क्या होगा एर के लिए टी लगेगा एर कॉक्ड पास्ता राइट ओके हाँ अपना बेसिक डोंट फॉरगेट अवर बेसिक मंत्र इश त्रिंक दू त्रिंक्स्ट एर त्रिंक्ट वी आर त्रिंकन जी त्रिंकन दैट इज अवर बेस महेश यू हैव एनी डाउट Sir, yes. In the first one, we are saying do best cricket. So we are not saying do playing best, or भाई, spielen cricket here. कैसे हो सकते हो? कितना भी cricket किसी को भी पसंद हो, मुझे भी बहुत पसंद है पर मैं cricket थोड़ी बन सकता हूँ. Du spielst cricket, right? Hmm.
We are not using any playing here like Ispilan. अरे भाई, देर इज नो कंसेप्ट, तुम उधर किधर जा रहे हो? देर इज नो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट कंसेप्ट ही नहीं है जर्मन में. यू आर प्लेइंग क्रिकेट विल बिकम यू प्ले क्रिकेट, समझ रहे हो ना? डोंट ट्राई टू गो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, समझ रहे हैं गाइस? यस सर. यस नो आईएनजी. वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन विल नॉट वर्क. एंड अगेन, ये जर्मन का प्रॉब्लम नहीं है, जर्मन में अच्छी बात है, समझ रहे हो ना? आपको इंग्लिश में कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ा था, वो आपकी प्रॉब्लम थी, समझ रहे हो? समहाउ पीपल ट्राई टू मेक इट कि भाई ये जर्मन का प्रॉब्लम है. नहीं है, जर्मन इज वेरी सिंपल, राइट? जैसे इंग्लिश का अच्छा था कि भाई कुछ भी हो जाए यू ही होता है, समझ रहे हो ना, कि इंग्लिश टेंशन ले लेता है, वैसे इस चीज में जर्मन का अच्छा है. प्रेजेंट टेंस, लेट इट बी कंटिन्यूअस, लेट इट बी सिंपल, एवरीथिंग इज स्पीलर क्रिकेट. इज इट क्लियर नाउ महेश? यस डोंट, देखो, वर्ड टू वर्ड करने जाओगे गलती करोगे. एंड एंड दैट्स व्हाई आई हैव सीन मेनी पीपल मेकिंग दिस गलती की आई एम ड्रिंकिंग टी, इश बिन टी ट्रिंकन, व्हाट इज दिस? लॉजिकल है क्या? राइट? अगेन, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना. एंड फिर से, नो बडी इज गोइंग टू गिव यू अ सेंटेंस आई एम ड्रिंकिंग टी एंड कन्वर्ट इट टू जर्मन. आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल जस्ट टू लेट यू नो दैट यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग डिफरेंट फॉर कंटिन्यूअस टेंस इन जर्मन. क्लियर है? शाहू कृष्णा अर्चना, नाउ व्हाइल फॉर्मिंग द सेंटेंस वी पुट वर्ब इन द सेकंड पोजिशन, बट प्रीवियसली वी पुट वर्ब इन द लास्ट पोजिशन. आई होप साहू आप पहली बार क्लास कर रहे हो, क्योंकि देन इट इज स्टिल ओके. मैं आपको बोल सकता हूँ कि पहले से क्लासेस देखो, पर अगर फिर भी नहीं क्लियर है तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, बट उपमा वो फिर से रामायण के बाद सीता गौतम, हो जाएगा. कौन? उपमा गौतम हरिता जिस भी भाषा में है हो गया क्या? आई डो आई होप आप बोल रहे हो कि खाना तैयार हुआ क्या. ओके, आई डोंट नो द लैंग्वेज. ओके ओके, मैं कहाँ था? ओके, तेलुगु. हाँ, अगेन या सो आई होप इट वॉज खाना तैयार हुआ क्या. एनी वे, मुझे गाली नहीं होगी तो आई एम ओके. सी, इंग्लिश ऑल्सो आई प्ले क्रिकेट. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. आई कैन प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट. प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप में फिर भी डाउट है, तीनों कंडीशन में वर्ब सेकंड पोजीशन पे ही है इन इंग्लिश. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस? इट्स जस्ट दैट दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स एंड दे आर गेटिंग कॉन्जुगेटेड, दैट्स व्हाई दे आर इन सेकंड पोजीशन. अंडरस्टूड? यस सर. जर्मन में भी आई प्ले क्रिकेट, इश्पीले क्रिकेट, द वर्ब दैट इज गेटिंग कंजुगेटिंग इज इन सेकेंड पोजिशन. इश कान प्ले क्रिकेट स्पीलन, इश कान क्रिकेट स्पीलन, द वर्ब दैट इज गेटिंग कंजुगेटेड इज इन सेकेंड पोजिशन. आई विल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट स्पीलन, द वर्ब दैट इज गेटिंग कंजुगेटेड इज इन सेकेंड पोजिशन. ये कंसेप्चुअली समझ में आया है कि नहीं? हाँ सर. सर यस सर. भाई यस भाई, सो मच. इंग्लिश में तो नहीं पूछते, कि इंग्लिश में क्यों नहीं पूछते आप कि आई प्ले कैन क्रिकेट? सेकंड पोजीशन पे वर्ब होना चाहिए, राइट? क्योंकि वहां पे रट्टा इतना मारा है ना कि सोचने की जरूरत ही नहीं होती. एंड एंड दिस दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना मुझे एक महीने बाद भी आता रहेगा. आपने यू सेड देयर सेकंड पोजीशन वर्ब, हियर वर्ब लास्ट पोजीशन. अरे भाई, इंग्लिश में भी तुमने आई प्ले कैन क्रिकेट नहीं बोला ना. आई कैन प्ले क्रिकेट, कैन चलने वाला वर्ब है, कैन ऑक्सिलरी वर्ब है, कैन चलेगा. क्लियर है? गुड यस सर यस यस सर यस गुड. सर देन यस आज सर. का प्रैक्टिस अपना हो गया है. है, थोड़ा टाइम लगेगा. जितनी बार करोगे, द मोर यू डू इट द लेस प्रॉब्लम्स वी विल बी हैविंग. एक्चुअली दिस थर्सडे मेरी एज आई सेड, आई टीच इन मोर देन 200 स्कूल्स इन महाराष्ट्र, इन जिला परिषद स्कूल्स. तो उनकी दे हैव समथिंग कॉल्ड एज सहामाई. सहामाई इज, व्हाट इज इंग्लिश ऑफ सहामाई? सेमेस्टर सेमेस्टर सेमिस्टर एग्जाम. सेमिस्टर एग्जाम्स सेमेस्टर देर स्टार्टिंग, सो माई दोज क्लासेस A1 खत्म हो जाएंगी. सो देन आई विल हैव सम ब्रीदिंग स्पेस.
तो उस टाइम मुझे अभी उनका एग्जाम पेपर भी बनाना है, तो देन आई विल क्रिएट अ गूगल फॉर्म एंड देन आई विल गेट स्पीकिंग पार्टनर्स फॉर यू, ओके? पर जब वो गूगल फॉर्म भी भरोगे, ऑनेस्टली भरना, सच से बोलना जिसमें जो भी है, और तभी भरना वो गूगल फॉर्म अगर आप सिंसियरली अपने स्पीकिंग पार्टनर से बात करने वाले हो, समझ रहे हो ना? बिकॉज एवरी बैच जिस दिन मैं द डे आई गिव यू स्पीकिंग पार्टनर्स, नेक्स्ट 10 दिन अरे वो मेरे से बात ही नहीं करती, अरे वो सीरियस ही नहीं है, अरे ही डजंट टॉक, दिस टाइम आई विल इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी बिकॉज स्टिल फिर भी ठीक है छोटे स्केल पे इट वॉज स्टिल ओके, एट हंड्रेड्स ऑफ पीपल इट विल नॉट बी पॉसिबल. सो व्हेन आई एम आस्क गोइंग टू आस्क यू गूगल फॉर्म मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू फिल दैट फॉर्म अगर आप हर रोज 10 मिनट अपने स्पीकिंग पार्टनर के साथ बात करने वाले होंगे. इज इट क्लियर? ऑल अबाउट इट्स ऑल ऑन ट्रस्ट बेसिस, राइट? आई आई डोंट हैव बैंडविड्थ कि भाई हर किसी को टटोलो कि भाई ये सिंसियर है कि नहीं, एंड इट्स इम्पॉसिबल ऑल्सो. इट्स अप टू यू कि अगर आपको खुद को नहीं लगेगा ना कि समबड़ी मैं सिंसियर हूं और समबड़ी फ्रॉम द अदर साइड इज नॉट टॉकिंग, राइट? सो वी विल कम टू दैट. बिफोर दैट अभी जो वॉट एवर वी हैड लर्न्ड एंड वॉट वी विल डू कि अभी टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्क. अभी आपको क्या क्या आता है? वॉट यू नो प्रेजेंट टेंस, यू नो सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू नो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, यू नो फ्यूचर टेंस, यू नो कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस. यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर स्टार्टिंग टू स्पीक. द लास्ट पीस ऑफ पजल दैट यू डोंट हैव इज क्वेश्चंस, बिकॉज एट द एंड अ कन्वर्सेशन स्टार्ट्स विद क्वेश्चन, राइट? लाइक व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, दैट ऑल वी विल लर्न ऑन थर्सडे. अगेन व्हाई? बिकॉज यू शुड गेट सफिशियंट टाइम टू प्रैक्टिस इट टिल नेक्स्ट ट्यूजडे. फिर नेक्स्ट ट्यूजडे हम स्पीकिंग पार्टनर देंगे, फिर हम रिक्वेस्ट वगैरह सीखेंगे, बट रिक्वेस्ट इज अ स्मॉल पार्ट. कैन यू गिव मी समथिंग? इट्स एट द एंड इट्स अ क्वेश्चन, राइट? कैन यू गिव मी समथिंग और मे आई ड्रिंक टी इज लिटरली. एंड अगेन व्हाई रिक्वेस्ट आर सो इंपॉर्टेंट, सॉरी व्हाई मोडल वर्ब्स आर सो इंपॉर्टेंट, आई विल क्विकली वेरी क्विकली गिव यू. सो आई मे प्ले क्रिकेट, क्या होता है? और इंग्लिश में आप रिक्वेस्ट कैसे करते हो? मे आई प्ले क्रिकेट? क्या किया आपने? मे को पहले लाया. जर्मन में भी वही करोगे. ऑलरेडी यू कैन मेक रिक्वेस्ट इन जर्मन. डिटेल में हम बाद में सीखेंगे, बट ऑलरेडी इफ यू नो मोडल वर्ब यू ऑलरेडी we can play cricket. we can play cricket. kya kyun hai cricket spielen mat karo yaar, mera wrong aa gaya, gadbad hai thoda sa, ye difficult hai. let me know kya naam hai please. tasneem. main bhool gayi ki I am not on mute. yes. पर ये ऐसे क्यों लगता है कि भाई आप इतना सीख रहे हो, ऐसे किसी के साथ फोन करके वो बात करना? या नहीं नहीं सॉरी सर, फोन. इट्स ओके, आई हैव म्यूटेड यू. इट्स नॉट अबाउट आप म्यूट थे या नहीं थे. जब मैं इतना मन से सिखा रहा हूँ, ये कहाँ से आता है कि भाई किसी दूसरे से बात करें? लेट इट बी. मैं कहा था, मैं भूल गया. ओके, आई वॉज इन द जोन. आई मे प्ले क्रिकेट. इश दार क्रिकेट स्पीलन. मे आई प्ले क्रिकेट? दार्फिश क्रिकेट स्पीलन. वी कैन ड्रिंक टी. वीर क्योनन टे ट्रिंकन, आता है ना? यस यस यस. कैन वी ड्रिंक टी? कैन वी ड्रिंक टी? क्योनन वीर टे ट्रिंकन. इट्स वेरी सिंपल. अगर आप मोडल वर्ब ठीक से करोगे ना, नेक्स्ट वीक जब आप रिक्वेस्ट सीखोगे ना, रिक्वेस्ट को आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे. इट्स वेरी इजी. इट्स वेरी इजी अगर आप सिंसियरली करोगे. देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम गोइंग बाय दिस वे, राइट? इफ यू सी, हम यहां से वहां से वहां से जाते रहते हैं. पहले दिन हमने इश त्रिंक दू त्रिंक सीखा. Then we learnt alphabets. Then we learnt numbers. Then we went to Hapansign. Then we learnt our introduction. Then today we went for modal verb. Then we went for future tense. Then we said continuous tenses. Then we are going for question. Then we are going for yes no question. Then request. The reason is this is the flow that you are easy. It is easy for you to understand. Samajh rahe ho na? Yes sir. Yes. Right sir.
नो बुक विल हैव दिस फ्लो, ट्रस्ट मी। अगर आपको कहीं पे भी लगता है ना, क्योंकि वो एक लोग अलग टाइप के मेरे पास होते हैं, अरे हमारी क्लाइंट हमारी, मतलब वो एक मेरे को समझा ही नहीं है कि मेरे को, तेरे को पता है कि मेरे कंपनी ने मेरे को 1000 यूरो का A1 का ये देती है, फिर भी मैं नहीं करता। एहसान नहीं कर रहे हो, गलती कर रहे हो, समझ रहे हो ना। बात देयर इज अ मीम, जिस चीज की शर्म लगनी चाहिए उसका तुमको, ये क्या है। आई नेवर, मेरे आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, माय कंपनी हैड गिवन मी 700 यूरो वाउचर, आई डिड नॉट लर्न, इट्स अ गॉड, बैड थिंग राइट। बट यस, एनीवे, ट्रस्ट मी, वहां पे जाके भी आप ऐसे नहीं सीख सकते, क्योंकि वो, उनको 700 यूरो मिल गए, वो आपको पट्टी पढ़ाएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू मेक श्योर कि यू लर्न, समझ रहे हो ना। हाँ जी, सो प्लीज डोंट डू दिस तस्नीन, इट्स नॉट दैट यू आर नॉट ऑन म्यूट, इट्स दैट यू थॉट कि मुझे ये सब करना चाहिए, दैट्स बैड। एनी वे, वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि रिक्वेस्ट 5 मिनट में हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट थिंग है क्वेश्चंस, ये हम नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को सीखने वाले हैं। बट टुडे यू शुड बी हैप्पी दैट यू नो 3 टेंसेस, 3 न्यू टेंसेस इन अ लैंग्वेज। और क्या नया सीखा, सिर्फ इश्वर्ड दू विर्स्ट एर वर्ड एर वर्ड वी वर्डन जी वर्डन राइट। यस सर, यस सर, यस सर, एंड नाउ यस जो चाहिए सेंटेंस बनाओ ना, आई विल प्ले क्रिकेट, यू विल ड्रिंक टी, दे विल कम, वॉट एवर, एवरीथिंग यू वॉन्ट टू मेक यू कैन मेक। अभी तो वर्ब भी कॉन्जुगेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्ब किस में रहेगा, वॉट इज द एडवांटेज ऑफ मोडल वर्ब्स एंड फ्यूचर टेंस, द वर्ब इज इन इट्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटिव पोजिशन, तो टेंशन ही नहीं ना त्रिंकन त्रिंक त्रिंक करने की, इश कान टे ट्रिंकन, इश विल ट्रिंकन, इश दार्फ टे ट्रिंकन, इश वर्ड टे ट्रिंकन, ट्रिंकन तो ट्रिंकन ही रहा है राइट। राइट, यस अंडरस्टूड यस, एवरीबडी, एंजॉय यस अपने सर, फिफ्थ या फोर मेजर थिंग्स, एब्सोल्युटली, जर्मन इजी है राइट, यस एक सर, दिन में यस जर्मन सर, इजी है, 95% करेक्ट। आज एक्चुअली आज के जो 3 कंसेप्ट सीखे उसमें हमने ऑलमोस्ट 100% करेक्ट सीखा है, मैंने तो बाकी का 5% भी आपको दे दिया कि इश कॉमा, तो आज तो 95% का रूल भी नहीं, सब कुछ मैंने आपको दे दिया है फ्यूचर टेंस का और कंटिन्यूअस टेंसेस का। थर्ड इज बिलीव इन यू, कंटिन्यूअस, फ्यूचर या इसे कंटिन्यूअस नहीं है। 5% बड़े बड़े पेशेंस प्रिजर्वेंस परसिस्टेंस मत लिखो, लेट्स नॉट डू इट। एंड द लास्ट वन इज एंजॉय, एंजॉय, enjoy what we are learning, that's the most important thing, it's the most important thing। पहले 3 गए तो भी गए, as I said, आज के दिन से when you at when whenever you get out you need to be thinking क्या रे आज एक दिन में मुझे इतना है, understood? यस सर, Let's यस सर, थैंक यू सर, quickly कर just a second, now I need to give time to YouTube people, da 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 da, Could I have a question? अरे 1 second, now while forming the sentence we were in second, I think we done simply it goes in German, how is this, please I hope that is clarified, this is clarified, okay Sahu, how would you formulate sentence without repeating same work daily? How would you formulate 5 sentences without repeating same work daily? You have list of 700 word, to, sorry, 250 words. It has at least 50 verbs. You have as many verbs that you want. You have well done, canon. You can do whatever you want, right? I can play cricket. You can whatever. Take a verb. Take can. Everybody knows permutation combinations, right? यस सर, Yes, sir. अगर एक चीज 4 बार हो सकती है, एक चीज 5 बार, तो दोनों मिला के कितनी बार हो सकती है, 20 टाइम्स राइट। यस आई होप इट्स क्लियर। नाउ टेल मी, समबडी हैड ए क्वेश्चन? एक्सक्यूज, गुड इवनिंग, यस आई एम एंजॉयिंग द क्लास, आई एम लर्निंग जॉइनिंग द क्लास फ्रॉम नाइजीरिया. You know, I have been यस following your class for a long time. So, but I wanted to ask you, can people outside the country that are not in Germany or in India be part of the speaking group? Yes, they can be. They can. Anybody can be part. So, right now I have people from more than 50 countries. So it's not a problem at all. Yeah, Oh, okay. as long That's as good. you are Well, that's sincere, interesting. the form will have that option also. Yeah. Okay. Another thing is that after learning, because I've been through A1 from your
from your group, I was able to write my GOTA exam and I got 79. Oh, great. Congratulations. Yeah. Thank you. Okay, no problem. Anybody else? Any other doubt? We are Sir, on the top of R, but we can take a couple of questions. Yeah, Nutan, please. yes, sir. Sir, I wanted one help, sir. Means, ish do that in some Indian language, I want to know because I get confused with that part, the basic one. ईश विच को क्या कहते हैं? दू मतलब मैंने जी को कभी कभी जी कर देती हूँ, कभी कभी दू कर देती हूँ, नेक्स्ट इसीलिए क्लास इश मैं दू तुम एर वह जी भी वह लेडी नहीं होती है वी हम जी मतलब वे लोग दे ओके एनीबडी सर एल्स डाउट थैंक यू सर सर जर्मन मध्ये ज असतं का म्हणजे जे ला आपण वाय करून लिहितो तर माझाही सरनेम ज वरून येतात आणि नावही ज आहे तर इंटरनॅशनल नेम रिकॉग्नाइज होईल दॅट इज ट्रू पण ज किंवा ज चा प्रोनाउन्सिएशन आहे का जर्मन मध्ये जर्मन इटसेल्फ डजंट हैव दैट ज वर्ड देयर इज अ वे टू मेक ज साउंड बाय यूजिंग डी एस सी एच दैट बिग थिंग बट वी डोंट नीड इट डोंट वरी ऑल ऑल इंटरनेशनल वर्ड स्टार्टिंग विद जे लाइक हैविंग जे विल बी रिटन बाय जे ओनली दैट हैव द जे साउंड लाइक जाधव जगताप जो भी है एंड द वंस जर्मन इटसेल्फ हैज वेरी निग्लिजिबल जे साउंड वर्ड्स या एनीबडी एल्स Excuse me, sir. Yeah. Sir, is there no existence of sal in Deutsch? What? English sal, will, sal. No, it there is no difference in shall and will in German. Okay, thank you, sir. Anybody else? To be honest, ma'am, I come from a Marathi medium. I still don't understand what the difference between I shall and I will. I shall फिर कभी use ही नहीं किया, but that is okay. That is a different part. I never used I shall. I don't know what that means. Okay. Anyway, anybody else? Any other doubt? We're already going over time. Last two doubts. Yeah. वत्सल मैंने 10 मिनट समझाया व्हाई वर्ब स्पीलन व्हेन इट कम्स टू एंड एंड स्पीलर इन मिडल. अभी फिर से इसको रिवाइंड करके देख लेना. ओके If you could give worksheet, it will help. It doesn't help. As I said, I have given you 250 words. You have 50 verbs. You know what is to be done. If you अगर आप वैसे नहीं कर पा रहे हो ना, दूसरे किसी ने आपको अगर 10 एग्जाम्पल दिए तो ही आप सॉल्व कर रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू गो लास्ट लॉन्ग. ट्रस्ट मी, दैट डजेंट वर्क. ओके, एनीबडी एनीवन एल्स, एनी अदर डाउट? सर ये डाउट जो ओके प्लीज क्विकली वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ टाइम. ओके आई थिंक बोथ म्यूटेड देमसेल्स सो लेट्स मीट ऑन थर्सडे. आई होप एवरीबडी एंजॉयड टुडे. टुडे वाज अ वेरी हाई आरओआई सेशन. होप यस सर एवरीबडी यस एंजॉयड. सर ओके थैंक यू वेरी मच थैंक्स सुजय. सर एंजॉय योर थैंक यू डिनर. थैंक यू सर वेरी मच. बाय सर. थैंक यू वेरी बाय. मच सर.